YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के लेस्लीगंज व सदर थाना क्षेत्र में TPC2 संगठन के नाम पर लगभग हफ्ते भर पूर्व हुए मारपीट लूट व रंगदारी उगाही मामले में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के मुंदरिया गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह इटे निवासी जुबैर आलम और सदर थाना क्षेत्र के जमने गांव निवासी छट्टू भुइयां को पलामू पुलिस ने तकनीकी सहायता के आधार पर हथियार व अन्य सामग्रियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि संगठन में शामिल अन्य करीब 9 से 10 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पलामू पुलिस ने एक नए संगठन TPC2 व मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल व गोली, 3 सेट चितकबरा कमांडो वर्दी, बंदूक निर्माण में प्रयुक्त छोटा लेथ मशीन, लोहे की पाइप, बैरल स्प्रिंग सहित एक भाती का पंखा लगा मोटर व अन्य सामान बरामद किया है। मामले पर SP इंद्रजीत माथा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि TPC2 नामक नए संगठन द्वारा जिले में विकास कार्यों को चुनौती दी जा रही थी। कहा कि पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी हथियार रखने तथा नक्सली गतिविधियों में शामिल होने की बात प्रकाश में आ चुकी है और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों से पलामू पुलिस सख्ती पूर्वक निपटेगी। के नाम पर लेस्लीगंज अंतर्गत जो पॉलिटेक्निक कार्य बन रहा था, निर्माणाधीन था, वहाँ पर मजदूरों के साथ पिटाई का मामला सामने आया था और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया था। उसमें रंगदारी की भी मांग की गई थी और साथ ही साथ जमुने गांव में भी जो है दो व्यक्तियों के साथ रंगदारी और मारपीट का मामला सामने आया था। तो उसमें से जो TPC2 के नाम पर जो ये अपराध किया गया था उसमें से धर्मेंद्र सिंह, जुबैर आलम और छठू भुइयां, इन तीन अपराध कर्मियों को आज लेस्लीगंज और सदर दोनों की पुलिस ने और टाउन पुलिस ने मिलकर DSP प्रेमनाथ जी के नेतृत्व में जो अरेस्ट कर लिया है। इस गैंग का खुलासा हो गया है, इसमें कुल जो है 10 से 12 लोग हैं। ये लोग वर्दी पहन के जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन लोग के पास से एक मिनीगन फैक्ट्री का जुबैर के पास से उद्भेदन भी किया गया है और इन लोगों के पास में जो है 6 देसी आर्म्स भी हैं, जिसमें से एक देसी आर्म्स आज पकड़ा गया है और बाकी जो मिनीगन फैक्ट्री के रूप में जो काम कर रहा था उसका भी उद्भेदन कर लिया गया। इन लोग के पास से 3 सेट कपड़ा जो वर्दी की ड्रेस का है, एक पिस्तौल, एक गोली और बंदूक बनाने का सामान जिसमें पाइप, स्प्रिंग, सरसी, बैरल वगैरह है और लेथ मशीन भी है और भाती का जो पंखा होता है बंदूक बनाने के लिए, मैंने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हो गया है तो पुलिस के लिए एक सफलता है। सर, बुर्ग में भी नक्सली संगठन से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से जो है छठू भुइयां जो है वो लेस्लीगंज थाना में पहले भी 2013 में जेल जा चुका है 17 CL एक्ट के तहत आर्म्स एक्ट रंगदारी की धारा में, और जो जुबैर आलम है वो गढ़वा के चीनिया से भी जेल जा चुका है। तो इस प्रकार से विकास कार्यों को जो भी चुनौती दे रहा था ये जो एक नया संगठन खड़ा होकर TPC2 के नाम पर, उसका उद्भेदन कर लिया गया है। भविष्य में हम लोग जो है और हम लोग के लिए एक अच्छी सफलता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की विकास गतिविधि को अगर कोई भी डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा तो पुलिस जो है उसको कड़ी चुनौती देगी और जो है हम लोग विकास कार्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसमें जो घटना को जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंजाम दिया गया था उसमें उस दिन जो है 8 से 7-8 लोग आए थे, लेकिन इसका गैंग जो ये तैयार कर रहा था वो कुल 12-13 लोगों का है, जिसमें से जो सरगना है वो जुबैर वो पकड़ा गया है। बाकी इसमें और एक जो सरगना का मैन है वो लोग को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है।